तो आखिरकार दोस्तों डीडी फ्रीडिश की तरफ से भी अब नई फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दिया गया है, करीबन 3 नई फ्रीक्वेंसीज को लॉन्च किया गया है। पहले की बात करें तो प्रसार भारती के पास काफी फ्रीक्वेंसीज मौजूद थी, लेकिन उनके द्वारा जो चैनल हमें देखने को मिल रहे हैं उसकी संख्या वो बढ़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब 3 नई फ्रीक्वेंसीज को जैसे इन्होंने बढ़ाया तो चैनल्स की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ये 3 नई फ्रीक्वेंसीज कौन सी रहने वाली है जिसको हम अपने सेट टॉप बॉक्स में स्कैन करके इन चैनल्स भी देख पाएंगे, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल रहते थे कि डीडी फ्रीडिश को भी ट्रांसपोंडर को बढ़ाना चाहिए, फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना चाहिए ताकि चैनल्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। और दोस्तों यहां पर देखने को भी वही मिला है, भारत सरकार ने जो उनको फ्रीक्वेंसीज अलॉट की है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। चैनल पहली बार आए थे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले समय में हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो देखिए भारत सरकार की ओर से 3 नई फ्रीक्वेंसीज को दिया गया है डीडी फ्रीडिश के लिए, और इन 3 नई फ्रीक्वेंसीज में जो है तमाम आपको टेस्ट स्लॉट्स जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप अपने MPG4 के बॉक्स में स्कैन करेंगे, सेट टॉप बॉक्स को ब्लाइंड स्कैन भी करेंगे या ऑटो स्कैन करेंगे, और करीबन 160 से 170 चैनल्स के जो स्लॉट्स है वो बढ़ाए गए हैं। इन सभी स्लॉट्स को जो है एजुकेशन पर्पस के लिए इंक्रीज किया गया है, इन सभी पर जो है एजुकेशन के चैनल जो हम आप सभी के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी रहेंगी वो आप जान लीजिए। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी रहेगी 11670 हॉरिजॉन्टल 29500, और इसके अलावा दूसरी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है 11010 वर्टिकल 29500, और आखिरी की जो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए लॉन्च की गई है वो है 11130 वर्टिकल 29500। तो दोस्तों ये 3 नई ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि डीडी फ्रीडिश प्रसार भारती है भारत सरकार की ओर से अलॉट की गई है। अब इन फ्रीक्वेंसीज पर फिलहाल तो आपको एजुकेशन के ही चैनल्स देखने को मिलेंगे, प्रसार भारती अपने ऑफिशियली चैनल्स को इन स्लॉट्स पर लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सरकार ने बेशक 3 नई फ्रीक्वेंसीज को डीडी फ्रीडिश को सौंप तो दिया हो, लेकिन इस पर केवल एजुकेशन के ही चैनल्स लॉन्च किए जा सकेंगे। प्रसार भारती के किसी भी प्राइवेट चैनल को डीडी फ्रीडिश इन फ्रीक्वेंसीज पर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार ने केवल इन फ्रीक्वेंसीज को एजुकेशन पर्पस के लिए लॉन्च किया है और डीडी फ्रीडिश के ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है। तो अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि इन फ्रीक्वेंसीज पर आने वाले समय पे ई ऑक्शन के स्लॉट्स बढ़ाए जाएंगे तो वो नहीं है, ये केवल एजुकेशन के लिए ही बढ़ाई गई है, और आने वाले समय में अगर और एजुकेशन चैनल्स को इंट्रोड्यूस या लॉन्च करना होगा तो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर वह किए जाएंगे। तो दोस्तों ये कुल जानकारी थी डीडी फ्रीडिश और प्रसार भारती की ओर से। बाकी इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।